अगर वो तेज हैं, हमें उनसे भी तेज होना पड़ेगा। मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता। वो बाइक्स पे भागते हैं, हम उन्हें बाइक्स पे पकड़ेंगे। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी। 20 दिन में 5 वारदातें हो चुकी हैं। जो भी करेंगे स्टाइल से करेंगे। इन्हें सिर्फ रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यहां से निकल के ये लोग कौन बन जाते हैं हम नहीं जानते। सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइजी धूम, जिसका तीसरा पार्ट 10 साल पहले रिलीज हुआ था और इस फिल्म में हमें जबरदस्त वीएफएक्स और गजब के एक्शन सीन्स देखने को मिले थे। वहीं फैंस पिछले 10 साल से धूम के चौथे पार्ट का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में अब धूम 4 को लेकर एक बार फिर खबरें तेजी से वायरल हो रही है और मेकर्स फिल्म की कास्टिंग की तैयारी में लग चुके हैं। वहीं इस बार फिल्म के मेकर्स धूम 4 में कई नए स्टार्स को लाना चाहते हैं, जिसमें हमें अक्षय कुमार और भाईजान सलमान खान का भी नाम सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आमिर खान ने भी मेकर्स को धूम 4 में काम करने को कहा है। आमिर खान एक बार फिर एक्शन फिल्मों से कमबैक करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले रिलीज हुई उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही है, इसलिए आमिर खान ने एक बार फिर धूम से एक्शन फिल्मों में कमबैक करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा वो एक मल्टी स्टारकास्ट फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और आमिर खान को लेकर एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि धूम 4 ही हो, जिसमें हमें बॉलीवुड के सभी मेगा एक्शन सुपरस्टार्स एक साथ नजर आ सकते हैं। वही बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो धूम 4 को भी बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य ही डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें धूम 3 से जबरदस्त हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स और एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। और खबरें तो ये भी निकल कर आ रही है कि फिल्म का शूट इसी साल शुरू कर दिया जाएगा और ये फिल्म हमें 2025 तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी बॉलीवुड के इन दिग्गज कलाकारों को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।